Let us start our today's class. आज की क्लास में हम देखेंगे आज की क्लास में हम चार बच्चे के क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चंस के क्वेश्चन करेंगे एंड देन अगेन वी विल गो टू द क्वेश्चन चैप्टर को रिवाइज करेंगे अच्छे से और उसको फिर पूरा पूरा दोबारा से देखेंगे ठीक है ये देखेंगे कि किस तरीके से सारी बातें चलती थी सभी चीजों को दोबारा करेंगे और डिटेल में एग्जाम करेंगे ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन आए फिर भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए आइए चलिए आज की क्लास में अपन अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना तो देखो स्क्रीन पे अब आपको दिखेंगे क्वेश्चंस जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फोर्सेस चैप्टर के आपको दिख रहे होंगे ठीक है यू कैन सी द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ फोर्स चैप्टर ये दिख रहे हैं आपको ठीक है एंड फोर क्वेश्चंस आर देयर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन दैट इन द फर्स्ट क्वेश्चन द पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम व्हेन द टाइम वाज जीरो द डिस्टेंस वाज जीरो व्हेन द टाइम वाज 1 सेकंड द डिस्टेंस वाज 1 मीटर व्हेन द टाइम वाज 2 सेकंड द डिस्टेंस वाज 8 मीटर्स व्हेन द टाइम वाज 3 सेकंड द डिस्टेंस वाज 27 मीटर्स व्हेन द टाइम वाज 4 सेकंड डिस्टेंस वाज 64 तो ये तरीके से कुछ मेरे पास एक टेबल मुझे प्रोवाइडेड है ठीक है अब टेबल के तरीके से मुझे डिस्टेंस भी पता चल रहा है और उसके साथ साथ क्या क्या टाइम है वो भी मुझे पता चल रहा है ठीक है डिस्टेंस के साथ कितना टाइम है वो मुझे पता चल रहा है बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछता है दैट व्हाट कैन कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ अबाउट एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये अपन से पूछा जा रहा है नाउ Students, those who can answer this question, please raise your hands. Those who can answer their questions, this question, then raise your hands. Question आपके सामने है, मुझे पता करना है कि what is the solution for part A of this question? What is the conclusion can be draw? What conclusion can be draw about acceleration? बताइए बेटा. सबसे पहले मैं पूछ. Next question. A2 question. A2 question is on your screen only. आप screen पे दिख रहा होगा आपको A2 question. ध्यान से देखो, मैं zoom करता हूँ थोड़ा. आपको screen पे क्या दिख रहा है? Two persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by three persons to produce an acceleration of 0.3 meter per second. तो ये बोल रहे हैं कि अगर दो आदमी इस मोटर कार को पुश करते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं इसको पुश करने के लिए कितनी स्पीड से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश करते हुए मैनेज कर लेते हैं मतलब पुश करते हैं और गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लग जाती है नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट बोला जा रहा है द मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय थ्री पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब अगर तीन लोग इसको धक्का दें तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द कार कितने फोर्स से एक आदमी यहाँ पर पुश करता है ठीक है एक आदमी यहाँ पर पुश करता है गाड़ी को कितने फोर्स से पुश करेगा वो चीज अपन को कैलकुलेट करने को पूछी जा रही है तो बेटा फटाफट पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं सोच के बताइए अपन एक डिस्कशन में बताओ Who can tell me how we can do this question? Only two hands. Only two. I want more hands to be raised in the class. So, दो hands से क्या होगा? मुझे ज़्यादा हाथ चाहिए. Yes, तीन. Very same students. Class में IP शर्मा, लक्ष्य मोदी, मोहित, निखिल. Praveen, Purvasha, Raghav, what are they doing? They are sleeping. Harshita, Hargavat, Himesh. What are you doing? Are you guys sleeping in the class? I want answers. Okay, Naina, tell me how to do this question. Hello. We just have this question first solve karenge. How do you? मेरे को क्या दे रखा है मुझको मास दे रखा है मास 500 ग्राम 500
500 ग्राम्स का मतलब है इन किलोग्राम इट विल बी डिवाइड बाय 1000. तो अपन यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं पहले. दिस विल बी मास इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो मेरे पास किलोग्राम में आंसर आ जाएगा 0.5 केजी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में अपन को कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया है, वेट अ मिनट, 50 मीटर पर सेकंड. कितना दे रखा है, 50 मीटर पर सेकंड. द टाइम इज 0.01 सेकंड. द टाइम इज 0.01 सेकंड. ये मेरे को वैल्यूज दे रखी है. हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे 0.01. ये यहां से ऊपर जाएगा, दिस विल बी 50 और दो जीरो आगे माइनस 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज दी एक्सेलरेशन. अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स इजिकल टू मास कितना दे रखा है 0.5 केजी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5000. ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 5 25, ये 10 यहाँ नीचे आ गया, 80 से 80 कट गया, तो दिस विल बी 2500 न्यूटन माइनस में आंसर आ गया है. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. क्या किया पहले अपन ने, गिवन क्वांटिटीज लिखी, ये सारी क्वांटिटीज मुझे क्या है, गिवन है. आफ्टर राइटिंग द गिवन क्वांटिटीज अपन ने एक्सेलरेशन निकाला और लास्ट में फोर्स निकाला. इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते. Now moving on to the last question of this chapter in the NCERT book. NCERT book में जो last question दे रखा है उसकी तरफ चलते हैं, solve करते हैं. आइए बेटा देखें, सभी बच्चे अपने स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको लास्ट क्वेश्चन अब दिखेगा. Ask everyone. Now, what is the last question? Last question क्या कहता है, a motor car of mass 1200 kilogram is moving along a straight line with uniform velocity of 90 km per hour. एक कार है जिसका मास कितना दे रखा है, अपन इसका मास दे रखा 1200 किलोग्राम, is moving along a straight line, एक straight line पर move करता है. उसकी uniform velocity है initially कितनी, 90 km per hour. कुछ देर बाद ये रुक धीरे हो जाता है, कितना, ये धीरे हो जाता है, ब्रेक लगाए होंगे, हो सकता है कुछ भी किया हो, जिसकी वजह से स्पीड गाड़ी की कम हो गई. कितनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आ रहा. कितना टाइम लगा इसे कम होने में, स्पीड 4 सेकंड का टाइम लगा. और बोला ये गया कि इसकी जो स्पीड कम हुई है, इसकी जो वेलोसिटी कम हुई है, ये एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. तो कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, पहली बात तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट करके बताओ एक्सेलरेशन. फिर ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे बेटा, फाइनल मोमेंटम निकाल के माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम. और लास्ट में इसलिए अपन से पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड. ये हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताओ कितना होगा. नाउ हू कैन टेल मी द आंसर फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का आंसर मुझे कौन बताएगा बेटा, रिजाइन करके बताओ फटाफट. हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन, यस रिया, यस रिया लखानी. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग रिया. क्वेश्चन सेज इनिशियल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर. फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है. हमें इसे मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो 90 × 5/18 कर देंगे. 90 × 5/18 करने पे ये 5 टाइम्स कटा, आंसर आ गया 25. ठीक है, आंसर क्या हो गया, 25. मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, 25
meter per second, and this will be 18 into 5 by 18. So ye isse kata aur answer aa gaya 5. So this will be 5 meter per second. Ye to given ho gaya. Fir uske baad और क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, और अपन को देखा टाइम जिसके अंदर ये स्पीड चेंज होती है, तो टाइम कितना है, टाइम इज 4 सेकंड। इसके बाद अपन को दे रखा मास, मास दे रखा है 1200 किलोग्राम। ठीक है, पूछा क्या है, एक्सेलरेशन विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना 25 डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे 4, तो दिस विल बी माइनस 20/4, दिस विल बी माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब अपन को निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो यहां लिखूंगा मैं चेंज इन मोमेंटम, जो कि क्या होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हैं अपन मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, लिखेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास हमें कितना दे रखा है 1200, तो 1200 कॉमन आ गया। फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 25, यस और नो? इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 1200 इनटू माइनस 20 एंड दिस विल बी माइनस 24, माइनस 24, 1 2 3, 3 0 और लगा देंगे और आगे लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स, तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाउ कैन बी राइट, दिस कैन बी रिटन एज 1200 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज माइनस 5, तो 12 इंटू 5 इज व्हाट, 12 इंटू 5 इज 60 और 2 0 और आ गए, तो माइनस 6000 न्यूटन इज द फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स इन दिस केस। तो सबसे पहले अपन ने गिवन क्वांटिटीज को लिखा बेटा, ये देखो ये सारी क्वांटिटीज अपन को क्या थी, गिवन थी, ऑल दीज क्वांटिटीज वर गिवन। गिवन के बाद अपन ने एक्सेलरेशन निकाला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना आया माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर दैट हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम विच इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम विच इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एंड फाइनली चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद अपन ने यहाँ पर वैल्यू पुट की, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम निकाल दी। मास को कॉमन ले लिया 1200, अंदर 5 माइनस 25 का आंसर इज माइनस 24000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर अपन ने फोर्स निकाला, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना 1200, एक्सेलरेशन कितना माइनस 5, पुट की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या आई, माइनस 6000 न्यूटन। कितनी आई बेटा, माइनस 6000 न्यूटन। नाउ यहां पर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नाउ बेटा द फोर्सेस चैप्टर एंड द मोशन चैप्टर इज ऑफिशियली कंप्लीट, दोनों चैप्टर को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बेटा आप बताओ, क्या अपन को पूरे के पूरे फोर्सेस चैप्टर में और पूरे के पूरे मोशन चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो हैंड रेज करके बताओ। सारे बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करें। जिस भी बच्चे को डाउट है मैं आपसे डाउट लेना शुरू करता हूं, बताओ।